everyone, welcome back to my channel. Hope you're all doing good. So in this video I'm going to share you how to remove आर्टिफिशियल नेल्स. जब मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी अप्लाई करने के ऊपर आर्टिफिशियल नेल्स को लेकर, तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इसको रिमूव कैसे करना है. सो मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोग के साथ में मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ. सो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आर्टिफिशियल नेल्स को आपको कैसे रिमूव करना है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियल नेल्स को अप्लाई किए हुए मुझे 7 to 8 days हो गए हैं और ये नेल्स बिल्कुल भी नहीं निकले. इसको अप्लाई करने के लिए मैंने ये वाला ग्लू यूज़ किया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो. अगर आपको आर्टिफिशियल नेल्स को अप्लाई करना नहीं आता ना, आई बटन पर आपको जो वीडियो की लिंक दिख रही है उस पर जाकर आप देख सकते हो कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको रिमूव कैसे करना है. तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में गर्म पानी लेना है. ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम लेना है. उसके बाद आपको अपनी फिंगर को उस बाउल में 1 से 2 मिनट तक डिप करके रखना है, कुछ इस तरीके से. यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो ग्लू आपको बताया है ना, वो बहुत हार्डली आर्टिफिशियल नेल्स को ना स्टिक करके रखता है. अगर आप चाहते हो आपके जो आर्टिफिशियल नेल्स के आपको पसंद है, आप चाहते हो ज़्यादा दिन तक टिके रहे, तो आप वो ग्लू यूज़ कर सकते हो. बट निकालने के टाइम बहुत टाइम मुझे गया था. तो यहाँ पे पहले मैंने डिप करके रखा 2 मिनट तक, उसके बाद भी देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा मैं देख रही थी नहीं निकले. मैंने एक अडोरो ब्रांड का आपको नेल ग्लू पहले बताया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. निकालते टाइम सिर्फ डिप करने पे ना निकल गए थे, बट यहाँ पे एक बार मैंने किया तो वापस से वो जो पानी था वो ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने दोबारा बाउल में गर्म पानी लिया और 2 मिनट तक वापस से नेल्स को डिप करके रखा, तो वो ऐसे भी नहीं निकल रहे थे. तो उसके बाद मैंने मतलब थोड़े से वो साइड से मतलब थोड़े से लूज हो चुके थे. उसके बाद मैंने ये ना ब्लैक हेड्स रिमूवल का टूल लिया और साइड से इस तरीके से रिमूव करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हो बहुत इजीली वो निकल गए. अगर आप आर्टिफिशियल नेल्स जब रिमूव करने जाते हो ना तो ऐसे नहीं निकलते, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. गर्म पानी में आपको 2 से 3 मिनट आप रखोगे तो निकल जाएंगे. इस तरीके से आपको ट्रिक करना है, थोड़ी सी साइड से कोई भी टूल ले लीजिए और साइड के एजेस से रिमूव करना. आपको डायरेक्टली ना उसमें डालना नहीं है, हल्के हल्के साइड से आपको इस तरीके से निकालना है. तो वन बाय वन मैं निकाल रही हूँ. अगर आप अच्छा ग्लू यूज़ करना चाहते हो ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था अडोरो ब्रांड का यूज़ करो, तब क्या होगा वो अच्छे से स्टिक भी करके रखता है और जब आप रिमूव करोगे ना तो वो इजीली डिप करने पे नेल्स निकल भी जाते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है बार बार गर्म पानी में फिंगर्स को डालने की. सो यहाँ पे लास्ट फिंगर का भी मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद ना इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा नेल्स पर ना निशान रह गया था ग्लू का, वो 2 से 3 दिन में चला जाता है. सो यू डोंट वरी, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं आपके नेल्स. सो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल बनी होगी उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.